लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल बिल्कुल बेकाबू हो गया है। यहां टीएमसी और बीजेपी में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बंगाल पर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बसीरहाट में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही बीजेपी पूरे राज्य में काला दिवस के तौर पर मनाएगी, साथ ही विरोध रैली भी निकाली जाएगी। बता दें, बंगाल में बसीरहाट के संदेश खली में झंडा हटाए जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 5 कार्यकर्ता बीजेपी के और 3 टीएमसी के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।